अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत, आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। वी हैव गॉट सम रियली इंटरेस्टिंग स्टोरीज टुडे। बिल्कुल, आज हम सबसे पहले तो शुरू करेंगे उस स्टोरी से जो सुबह से हेडलाइंस बना रही है और मेरे ख्याल में सबसे वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या उस स्टोरी को बनने का मकसद वही था या उसके ऊपर कुछ मामला बिगड़ गए हैं, ये जरा बात करेंगे। जिक्र हम कर रहे हैं मरियम नवाज साहब पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है और वो गई है, सिम्बॉलिक था, लेकिन उसमें बड़ी डिबेट जो है वो शुरू हो गई। तो एक तो उसमें बात करेंगे, फिर उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास सेगमेंट है बतूल, मोहम्मद जुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो एक अहम तरीन रहनुमा थे, मैं थे कह रहा हूं क्योंकि वो अब जाहिर बात है कुछ नाराज हैं या पार्टी उनसे नाराज है, बड़ा कुछ कह रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। तो आज हमें वो भी ज्वाइन करेंगे तो उनसे पूछेंगे कि उनकी जमात में ये क्या मामला चल रहा है। और फिर आखिरी सेगमेंट जो है मेरे ख्याल में वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो गई है, डिबेट है, पता नहीं है कि नहीं, अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा हाइप है। तो आज तीन हमें ऐसे लोग ज्वाइन करेंगे जो हमें बिल्कुल सीधी और खरी बात करेंगे। और कल ही पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेड में जो पॉइंट्स थे वो तारीख के हाईएस्ट थे, वो लिटरली थे, बिल्कुल वो मानना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, मामला संभल रहे हैं, महंगाई कम होने जा रही है, क्या होगा, तो उस पर भी बड़ी डिटेल में तीन बहुत ही अकम्पलिश लोगों से हमारी बात होगी। तो बड़ा मजेदार टाइट प्रोग्राम है, लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम शुरू होने वाले मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। हमें जुनैरा अजहर ज्वाइन करी है, हमारी कॉलीग है, प्रोग्राम भी करती है एक न्यूज के साथ। फरवा वहीद हमें ज्वाइन करेंगी, वही डियर फ्रेंड एंड कॉलीग, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं। बात देखें ना, बात अब हमने इन कॉलीग्स को इसलिए दावत दी है, हम समझना ये चाह रहे हैं कि आज सुबह से जब मरियम नवाज साहिबा ने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है जब वो गई, वो पुलिस की पासिंग आउट परेड थी और उसमें वो बाकायदा तौर पर उन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उसी तरीके से उन्होंने वो स्टिक भी पकड़ी हुई है जो, और उसी तरीके से सलूट भी कर रही थी, बिल्कुल। और उसके बाद जो कम अज कम जो विजुअल्स हमारे सामने आए हैं, जो वीडियो हमने देखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है और जिस तरीके से वो घुल मिल भी रही हैं, सो ऑप्टिक्स के हवाले से तो ये मेरे ख्याल में इट वाज अ वेरी इंपैक्टफुल थिंग। लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद भी हो रही है कि नहीं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वर्दी में इस तरीके से जो है वो नहीं पहननी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आज जरा फिर हमने कहा दो हाथ करें और देखें कि सुने कि क्या कहते हैं, तो किससे शुरू करें। मैं खाली की पहले थोड़ा सा हम अपना एक शॉर्ट कमेंट करते हैं, पहले मैं एंकर बनता हूँ, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, आप बताएं आपके ख्याल में, मैं फिर बाद में अपना ओपिनियन दूंगा, ये जो मरियम नवाज साहबा ने जो आज ये इस तरीके से ये काम किया है, कामयाब रहा, अच्छा है, उनको अच्छी पब्लिसिटी मिली, फील गुड फैक्टर आया या नहीं? देखिए फाज साहब, ये जो पब्लिसिटी का लफ्ज होता है ये तो किसी को भी मिल जाती है, अगर हम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पब्लिसिटी बात करें, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भी मिल जाती है, डांसर्स और कोरियोग्राफर्स को भी मिल जाती है। तो पब्लिसिटी मेरा ख्याल है सिर्फ इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी पब्लिसिटी इमरान खान के पास थी तारीख में उतनी किसी के पास नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान को फायदा लेकिन पब्लिसिटी मिली कि नहीं मिली पहले तो ये एस्टैब्लिश करें ना, मिल गई, अच्छी थी, फायदा हुआ उनको। देखिए एज लॉन्ग एज शी इज सीन, तो उनको सियासी तौर पे तो फायदा है, वो जो भी करेंगी वो शी वांट्स टू बी सीन, शी इज सीन। लेकिन मैं इतना इंप्रेस इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन चले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, उनको ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं थी। चलें, लेट्स मूव ऑन। जुनैरा, आपकी क्या इस पे ओपिनियन है? सही किया, अच्छा किया, गुड स्ट्रेटजी, गुड पीआर, गुड मीडिया, फायदा हुआ है? मैं बतूल बात कर रही हूँ और सोशल मीडिया पे देखें बात हो रही है, तो फायदा तो हो गया। और पीआर इज पार्ट ऑफ अ पॉलिटिशियन लाइफ, वो पीआर के लिए सब कुछ करते हैं और साथ साथ जो उन्होंने डिलीवर करना होता है वो भी कर रहे होते हैं। बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हियर कि सम हाउ ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई हमें नापसंद है तो फिर उसकी हर चीज ही नापसंद है हमें, और अगर कोई हमें पसंद है तो उसकी हर चीज ही हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं, ये एक अजीब सा कल्चर आ गया है मेरे ख्याल है। और बीइंग अ जर्नलिस्ट आई थिंक कि हर कोई हर वक्त गलत भी नहीं होता, हर वक्त सही भी नहीं होता, तो उनको बिना वजह टारगेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल है खातून है, पहली दफा चीफ मिनिस्टर बनी है, अगर कुछ कर भी रही हैं तो हमें भी कुछ एब्जॉर्ब करना चाहिए, सही और गलत से हर चीज को हम नहीं डाल सकते, नॉट ब्लैक एंड व्हाइट ऑल द टाइम। अगर तो उन्होंने कोई बहुत पॉलिसी के खिलाफ जाके, रूल्स के खिलाफ जाके कुछ किया हो तो वो तो नहीं किया, इससे किसी को नुकसान हुआ हो वो तो नहीं हुआ। तो आई डोंट नो व्हाट दिस डिबेट इज अबाउट। अच्छा, ये क्रिटिसिज्म किस हवाले से, ये आपका नुकता है। अब जरा फरवा से ओपिनियन ले लें। फरवा, ठीक किया मरियम साहिबा ने, करना चाहिए था, सक्सेसफुल मीडिया मूव, या जो तनकीद हो रही है उन पे वो जायज है?
अच्छा वैसे मुझे अस्सलाम वालेकुम फाद साहब, आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी है खवातीन को बिठा के, आपने बड़ा अच्छा जो है ना वो टॉपिक लेकर आए। मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। नहीं, इट्स गुड इट्स गुड, लेकिन मुझे मुझे देखें, मेरा अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछें तो वाई नॉट, ऑलरेडी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है यहाँ पर। आप देखेंगे अगर कोई मर्द कुछ करता है, खान साहब के दौर में, खान साहब जब वजीर आजम थे बहुत सारा कुछ करते टॉपिक्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, उनके भी ऐसे ही फोटोशूट होते थे, वो भी रमजान के अंदर ऐसे खजूरों की प्लेट आगे करते थे तो वो तो बिकता था। तो अगर एक खातून ने कर दिया तो उससे क्या कबाहत है, मतलब हम उसको तनकीद निशाना क्यों, हम वाई वी ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि ये सही है ये गलत, भाई क्रिटिसिज्म करने वाला है या नहीं है, उसको एक लाइटर मोड पे लें। पहली बार वो आई है पंजाब के अंदर और सच्ची बात तो ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, जो दिखता है वही बिकता है, दिखता है ये स्ट्रेटेजी। मुझे बताएंगे अगर जमातें नहीं अगर अपनाएंगी तो फिर मेरा ख्याल से तो वो काम करेंगी भी तो नजर नहीं आएगा। और अगर उन्होंने, और वैसे भी एक कीपिंग दैट इन माइंड, ये खवातीन की पासिंग आउट परेड थी, उसमें अगर थी, उसमें अगर खातून ने रिप्रेजेंट कर दिया है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है, मुझे तो बड़ा मजा अच्छा आया उनको देखकर। चलें, आप आपका नुकता ये है कि दिखता है और बिकता है, बहुत लोग ये तनकीद कर रहे हैं। अब इसमें बतूल का जो है वो एक नेगेटिव है, ये समझ रही है कि ये मेरे ख्याल में उनको फायदा नहीं हुआ। अच्छा, मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ कि देखिए ये बात हो रही है कि जी वर्दी क्यों पहनी, तो वर्दी पहनना किसी सिविलियन का, पोलिटिकल लीडर का, ये एक अनोखी चीज नहीं है। और अगर हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं हम आपसे शेयर भी कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बशमूल जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, वो अभी पिछले दिनों मैंने फोटो देखी कि वो भी फौजी वर्दी पहनकर जो है वो मेरे ख्याल में किसी फौज का कोई फंक्शन था वहां पे गए हुए थे। फिर और भी जो प्रेसिडेंट अर्दोगान है टर्की के, वो भी ये कर चुके हैं। दीगर जो जो मुझे बल्कि याद है 9/11 के बाद तो वो जॉर्ज बुश जो अमरीका के सदर थे वो भी पूरा एयरफोर्स का जो है वो यूनिफॉर्म पहनकर वो पहुंचे थे। तो ये अनोखी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद इससे देखें और कुछ हो ना हो, मरियम साहिबा ने ये करके आज की मीडिया साइकिल को तो डोमिनेट कर लिया। मैं और आप प्राइम टाइम पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं, तो कम से कम मीडिया के हवाले से ये जो भी उनका फैसला था उससे उनको वो प्रोजेक्शन तो मिल गई। इसमें क्या बुराई है बतूल? मैं बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ सब जो मेरे कॉलीग्स ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन लेकिन मुझे ये लगता है कि बेहतर होता कि वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनने की बजाय अपनी तवज्जो इस पर मरकूज करती हैं कि वो भावनगर पुलिस स्टेशन का दौरा कर लेती कि जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, शायद वो थोड़ा कवर अप हो जाता और लोगों का एतमाद बहाल हो जाता क्योंकि वो एक बहुत ही खौफनाक वाकया था। बेहतर होता कि वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनने की बजाय पाकिस्तान में जो जेलें हैं उनमें अगर 1200 की कैपेसिटी है और 6-7 हजार या इससे भी ज्यादा कैदी डाले हुए हैं तो वो जो पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के बजाय पुलिस रिफॉर्म्स या पुलिस के मसाइल को किसी तरह एड्रेस कर लेती तो मैं ज्यादा इंप्रेस हो जाती। एंड जस्ट 1.4, आपको पता है कि जो इन्होंने अपने वालिद साहब के साथ तंदूरों का दौरा किया था और जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकलवाया था वो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुअत्तल करवा दिया कि रोटी सस्ती करने से पहले तंदूर वालों से तो पूछ लें कि उनको वो आटा कितने का ले रहा है। तो मुझे लगता है कि दे आर सो मच इनटू कॉस्मेटिक्स और वो फिजिकलिटी इतनी ज्यादा है और जुनैर एक अच्छी लाइन दी है बतूल ने कि पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पुलिस रिफॉर्म, यानी ये ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स तो ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये तनकीद ठीक है। कौन कह रहा है कि वो बहावलनगर ना जाएं, कौन कह रहा है कि वो जो पहले तनूर वाले हैं उनसे बात ना करें, लेकिन दिस इज़ अ टोटली सेपरेट डिबेट, मतलब लेट्स नॉट मिक्स इट। इस वक्त बात ये हो रही है कि क्या उन्हें ये वर्दी पहननी चाहिए थी, और मैं ट्वीट्स देख रही थी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, तो वो एक जब आप स्पेसिफाई करके टॉपिक को या तो बात कर लेना ठीक है, हमें भी खुशी होगी कि वो बहुत कोई पॉलिसी रिफॉर्म्स ले आए, लेकिन उनकी वर्दी पहनने पर क्या एतराज़ है, एक सॉलिड रीजन इस पे मुझे कोई ढूंढ के कोई आर्ग्यूमेंट दे दे। आपका जो पुलिस ऑर्डिनेंस है वो भी अलाउ करता है, चीफ मिनिस्टर कैन वेयर इट, अभी आपने खुद एग्जांपल्स दी हैं। और अगर आप सॉलिडारिटी के लिए किसी अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ या किसी भी और फोर्सेस के साथ कोई ऐसा जेस्चर देते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? अब इसमें क्या उनका खातून होना उनका कसूर है, या उनका नापसंद होना कुछ लोगों का उनका कसूर है, या फिर ये कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, किसी के जहन में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स हैं, ये सेपरेट इश्यूज हैं, लेकिन उनका आज का ये जेस्चर मेरे ख्याल है इसको इतना एयर टाइम और इतना क्रिटिसिज्म और इतना जो पब्लिसिटी का नाम दिया जा रहा है ये भी अननेसेसरी है। इससे भी पता चलता है कि हम भी इंतजार में बैठे होते हैं कि हमें बस मौका मिले और हम उसके ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए क्योंकि विजुअल्स, मैं तो एज समबडी हू वर्क्स इन द मीडिया, जो टेलीविजन में बड़े अरसे से काम भी कर रहा हूं, मैं ऑब्वियसली डिजिटल मीडिया का भी दौर है, मैं तो उसको इस एंगल से भी देख रहा हूं कि चलें और बाकी चीजें छोड़ भी दें, लेकिन अगर ये एक मुख्तलिफ सी चीज करके उन्होंने डिबेट जनरेट कर ली है तो आज की वो सबसे बड़ी न्यूज मेकर बन गई है। Absolutely. और मीडिया में इम्पोर्टेंट आजकल के ज़माने में तो ये इम्पोर्टेंट है कि जी आपको कितना ज़्यादा एयर टाइम या डिजिटल स्पेस मिल रही है, चाहे आप पे तनकीद हो रही हो लेकिन अगर आप पे रिएक्ट कर रहे हैं लोग तो वो आपकी बात कर रहे हैं। और ये जो साइंस है ये एक्चुअली इमरान खान साहब ने परफेक्ट की है, वो यही करते थे, ही वुड बिकम द सेंटर ऑफ ऑल कॉन्वर्सेशन। तो फरवा अब आज मरियम साहिबा सेंटर ऑफ ऑल द कॉन्वर्सेशन है, लेकिन उसमें एक क्विक एंगल जो मैं और ऐड कर दूँ जो अभी जुनैरा ने बात की, अगर ये को मर्द होता तो क्या वाकई में ऐसी तनकीद होती? ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज शी इज अ फीमेल। अच्छा मैं यहाँ पर औरत कार्ड नहीं खेलूंगी, लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोई मर्द इस जगह पर होता तो शायद इतनी बहस भी नहीं हो रही होती और वो बड़ा एक नॉर्मल होता। ये हमारे लिए शायद अभी न्यू नॉर्मल है कि खातून ने जो है जो कि वजीर आला बनी है पहली बार पाकिस्तान की तारीख में और उन्होंने यूनिफॉर्म पहना है। बाकी रही बात, अब मैं थोड़ा सा उस पर कॉमेंट करना चाहूंगी बतूल की बात पे, बिल्कुल ठीक बात कही है बतूल ने कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन आप उनको बुज़दार जितना टाइम तो दें भाई। अभी अभी तो वो आए हैं, अभी तो वो रुके हैं। अगर आपने बुज़दार साहब जिन्होंने कभी यूनिफॉर्म पहनना तो दूर, उनको तो शायद पता भी नहीं होगा रैंक्स क्या होते हैं, अगर उस जैसे बंदे के साथ गुजारा कर लिया है तो फिर ये तो फिर थोड़ी पढ़ी लिखी खातून है। और अभी अभी तो उन्होंने कदम रखा है, जमाया है, रुके वेट करें, रिफॉर्म्स भी हाँ रिफॉर्म्स भी आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल से ये इट्स टू अर्ली कि हम क्रिटिसिज्म शुरू कर देंगे ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ। मीडिया का तो ज़ाहिर काम यही होता है और अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि हम गवर्नमेंट पे तंकीद करें। लेकिन कमिंग टू दैट पॉइंट फाद साहब, देखिए हमारी जो सोसाइटी है ना, वी ऑल नो यहाँ पर हर सेक्टर में खवातीन को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आई वॉज रीडिंग दैट न्यूज जब ये आई मीडिया में, तो उन्होंने जब खवातीन के हवाले से बात की कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि खवातीन जो है वो ड्यूटी पे खड़ी होती हैं, और 650 के करीब वो खवातीन थी जो उनकी पासिंग आउट पर रही थी, तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ कि वहां पर एक खातून का होना इटसेल्फ ही बड़ा बहुत बड़ी बात है। कोई मर्द खातून की पासिंग आउट परेड को देख रहा है वो दैट्स अ नॉर्मल थिंग, वो कर सकता है क्योंकि वो मर्द है, लेकिन अगर खातून खड़ी है तो दैट्स क्वेश्चनेबल। और ये जो हमारे कुछ चंद एक जमात के जो बस क्या कहें ब्रिगेड है ना, उनको भी चीज समझने की जरूरत है कि इट्स जस्ट अनदर थिंग कि जैसे इमरान खान साहब कि आप लोग फोटोशूट करके लगाते थे और वो पता नहीं क्या हार्ट्स बन रहे हैं और ये हो गया तबाही, पर भी ऐसा लीडर नहीं आया। लेकिन अब सेगमेंट हमने कंक्लूड करना है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं आखिरी उसमें नुक्ता डाल दूं कि देखिए हमने हम जितना ज्यादा इस मुल्क में हम खवातीन को, मैं अब सिर्फ मरियम साहबा की बात नहीं कर रहा, मैं अब उन पुलिस में जो जिनकी आज पासिंग आउट परेड थी मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जितना ज्यादा हम इस मुल्क में खवातीन को इनकरेज करेंगे कि वो आए काम करें, प्रोफेशंस को ज्वाइन करें, पुलिस को ज्वाइन करें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि जब आप पब्लिक स्फेयर में आएंगी तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, आपको इज्जत भी मिलेगी, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। अब मरियम साहबा के इस स्टेप से उनको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कम अज़ कम इशू हाईलाइट हो गया, एंड आई थिंक ओवरऑल मेरे ख्याल में यू मे डिसएग्री विद मी, मेरे ख्याल में ये स्टेप जो था जिस मकसद के लिए किया था बहुत हद तक उन्होंने अचीव कर लिया। मेरे मैं आई एम बीइंग वेरी सिंपल विद दिस मैटर कि मैं उनको सिर्फ एज ए लीडर देख रही हूँ और एक वजीर आला के तौर पर देख रही हूँ, मेरे लिए वो मर्द और औरत नहीं है। मुझे लगता है कि उन पर जिम्मेदारियाँ और उनको बखूबी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, और मैं इसमें बिल्कुल इमोशनैलिटी नहीं देखती क्योंकि जो मुल्क की हालत हो गई है हमारे पास ये मार्जिन ही नहीं है कि हम इमोशनल होकर डिसीजंस लें। मेबी दैट्स व्हाई सही ठीक है फेयर इनफ। मूव ऑन करते हैं और अब थोड़ी सी कोई सियासी बात हो जाए, जिस जमात की चीफ मिनिस्टर है मरियम साहिबा उसी जमात के जरा और भी बड़े मसाइल हैं, बड़े एंगल्स हैं, पुराने रफीक हमें जॉइन, बिल्कुल, तो वो जरा उस पर भी लेके चलते हैं मामले को आगे लेके चलते हैं। और मोहम्मद जुबैर साहब बड़े क्रूशल इंटरव्यूज देते रहे हैं और हमें भी वो ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जी जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एक तो मुझे पहले तो ये जरा क्लियर कर देना कि अब आपका एक्चुअली स्टेटस क्या है। आप पीएमएल एन में हैं लेकिन डोरमेंट हैं, या बिल्कुल पार्टी से अलहदा हो गए हैं, या इंडिपेंडेंट हैं? अपने आप को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं आजकल? आई थिंक मैं तो ये कन्फ्यूजन तो है और आई डू रिकोगनाइज दैट, बट मैं अपने आप को पीएमएलएन का ही समझता हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो कि पीएमएलएन से, जिस तरह दानियाल अजीज़ है, लेट मी पुट इट लाइक दैट, बहुत से अरसे तक शायद काकन अब्बासी के हवाले से या मिफ्ता इस्माइल के हवाले से दे वर नॉट श्योर कि भाई आप पार्टी में हैं या नहीं हैं। उस वक्त जैसे वो क्लेम करते थे, मैं भी समझता हूँ कि मैं पार्टी में हूँ। ये कोई कंपनी तो है नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड के जी 100% शेयर्स हैं, उसमें कुछ शेयर्स मेरे थे, वो मैंने बेच दिए, अब मेरा कोई स्टेक नहीं है। मैं अभी तक तो अपने आप को पार्टी में ही समझता हूँ, लेकिन फैसला साजी में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ और काफी अरसे से नहीं हूँ, तकरीबन 7-8 महीने तो हो चुके हैं कम से कम। यानी ना आपको मीटिंग्स में बुलाया जा रहा है, ना आपसे मुशावरत हो रही है, ना आप पार्टी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ना फैसला साजी में, तो आपने कह भी दिया। तो पार्टी आपको कुछ क्लेम अभी तक ओन कर रही है, या वो उनकी तरफ से जो है वो यू आर नो मोर पार्ट ऑफ देम? आई थिंक ऐसा ही है कि असल में जो तकरीबन आज से कोई 4-5 महीने पहले दिसंबर में, टू बी मिड दिसंबर में, ये मैंने एग्जैक्टली वजाहत पूछी थी कि अगर मैं किसी भी फैसला साजी का हिस्सा नहीं हूँ तो मुझे अगर बता दें, ताकि मैं फिर अपना लाया अमल जो भी है, और इवन रिमेनिंग विद इन द पार्टी, देखें ना, आप पार्टी में होते हैं, आप एक्टिव होते हैं, तो आप एक डिसिप्लिन के तहत होते हैं, जिसमें आपको अगर कोई शदीद या कोई थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं भी, तो उसको आप पब्लिक नहीं करते। अगर आप पार्टी डिसिप्लिन के तहत अगर नहीं है, पार्टी ओन ही नहीं कर रही आपको किसी लिहाज से, एक्चुअली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं कि जी उन्होंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, सो समझ लें टोटल मास कन्फ्यूजन। अगर आप एक लीडर से पूछेंगे वो कहेंगे हाँ ये ही इज वेरी मच पार्ट ऑफ द पार्टी, दूसरे से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं है। हमारी पार्टी में हमेशा से दो बयानिए थे, हमेशा से नहीं मतलब एटलीस्ट पोस्ट 2018 क्लियर कट दो बयानिए थे, एक शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे और एक नवाज शरीफ साहब, एक मजामती बयानिया एक मुफामती बयानिया, मजामती बयानिए के साथ मैं खड़ा था मरियम नवाज की टीम के तहत। तो उस वक्त भी शदीद इख्तलाफात थे दोनों ग्रुप्स के, और जो लोग जाती उम्रा में देखे जाते थे जहां मरियम नवाज होती थी, वो 196H जो कि शहबाज शरीफ साहब का है घर था या हेडक्वार्टर, उनको उनकी पार्टी वहां से रन होती थी, वो वहां नहीं देखे जाते थे, बिल्कुल दो मुख्तलिफ धड़े थे। जिस तरह आप अतातारड़ के मैं एग्जांपल दे दूं, वो उस वक्त 2018 2019 2020 वगैरह में वहां उधर नहीं होते थे जाती उम्रा में, तो जो मरियम नवाज की टीम के लोग होते थे उनको वहां नहीं बुलाया, उस वक्त भी ऐसी होता था नहीं बुलाया जाता था। लेकिन कुछ लोग तो जुबैर साहब ऐसे भी थे ना जो दोनों तरफ थे, एक टांग इधर और एक टांग उधर, और मेरे ख्याल ये कुछ हार्डली इंश्योरेंस पॉलिसी थी, लेकिन बाद में शायद डेवलप हो गए जिन्होंने, जिनको अंदाजा हुआ कि दोनों कैंप्स में पैर रखना जरूरी है। नहीं रखना ऐसा तो नहीं था कि पैर नहीं रखा जाता था, कि जब भी मैं लाहौर में और बहुत ज्यादा होता था लाहौर में, तो मैं जब भी अगर शहबाज शरीफ साहब जिस दौरान जेल में नहीं थे तो मैं जरूर उनके पास जाता था, और वही वजह पार्टी प्रेसिडेंट, और उनको अगर कोई गिले शिकवे थे भी, और थे उनके गिले शिकवे और वो जायज भी थे, बिकॉज ही वॉज फीलिंग कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, और मैं मोहम्मद जुबैर कैसे इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बयानात दे रहा हूँ, उस बयानिए को आगे लेके चल रहा हूँ जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है, बट मैं उनको ये कहता था कि आई हैव बीन अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन फॉर मियाँ नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज। तो अगर वो जो उन्होंने गुजरांवाला की तकरीर से शुरू किया था बयानिया, उससे पहले ही शुरू कर दिया था कोई महीना पहले, बट उसका जो पब्लिक इजहार था नेम कॉलिंग वो उस वक्त, तो लेकिन वो कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी जो मामलात हैं वो जो शायद दो बयानियां तो आपको उस तरीके से नजर ना आए जुबैर साहब, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, एक पंजाब गवर्नमेंट है, एक फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन ये जो एक डिवीजन जिसकी आप बात कर रहे थे वो तो उस एक रफली वो अभी भी नजर आ रही है कि फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की टीम वो सारी शहबाज साहब की है, पंजाब गवर्नमेंट उसकी टीम, वहां के लोग,
वो मरियम साहिबा के हैं, तो वही वो जो डिवीजन था वो एक तरीके से अब दो गवर्नमेंट्स और दो शहरों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो है तो सही लेकिन उतना शदीद नहीं है, क्योंकि जाहिर है पावर तो है ना, पंजाब में भी पावर है और फेडरल लेवल पे भी पावर है, तो जो इख्तलाफात होते हैं उस तरह से इजहार नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मरियम नवाज कराची आई थी अक्टूबर 2020 में, और जहाँ कैप्टन सफदर उनके हस्बैंड को अरेस्ट किया था अवारी होटल से आके, तो वो जो हमने बयानिया बनाया था वो बयानिया एक फैक्ट्स पर था कि जी उस वक्त की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी दे वर इन्वॉल्व और उन्होंने आईजी सिंध को यरगमाल बनाया और ये। सो हमने जब ये पब्लिकली इजहार किया, मैंने ही किया, मुझे ही कहा गया था कि आप हामिद मीर के थ्रू एक ये बीपर दें और ताकि पूरे पाकिस्तान को पता चले एंड सो ऑन, और जिसका आर्मी चीफ ने नोटिस लिया था बाय द वे, उन्होंने कमेटी भी बनाई थी। तो वो दूसरा जो धड़ा था उसको शदीद तरीन इख्तराफ था, ये तो आप सीधा सीधा टकराव की तरफ जा रहे हैं। अब मसला ये था कि मैं तो एक छोटा सा एक जाहिर है कारकुन आप समझ लें, एंड आई हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इवन व्हेन आई डिड नॉट एग्री एग्जैक्टली, ऑल्दो ओवरऑल मैं उस मजामती बयान पर बिलीव करता था, स्ट्रांगली बिलीव करता था, मैं समझता था कि पार्टी हैज बीन अंडन रॉन्गली। लेकिन अब वो वक्त वो वक्त तो गुजर गया और उसके बाद पार्टी की पॉलिसी भी चेंज हो गई, मुफाहिमत अब हर तरफ नजर आ रही है, वो मुजाहिमत जो है वो नजर नहीं आ रही, और उससे अब ये भी एक तासुर बनता है। बहुत लोग, जुबैर साहब आपको अच्छी तरह मालूम होगा, आपसे भी बात करते होंगे कि सियासी हमें इकतदार तो मिल गया लेकिन हमारी सियासत जो है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब इशू यह है कि यह गवर्नमेंट, मैं चले फेडरल गवर्नमेंट की बात करता हूं, कुछ लोग कहते हैं जी बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट है, टू थर्ड मेजॉरिटी है, सेम पेज है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यह भी बात होती है कि नहीं ये तो चलने वाली नहीं है क्योंकि पॉपुलर मैंडेट तो कहीं और है, यह बड़ा अनस्टेबल सिस्टम है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, यह गवर्नमेंट सॉलिड है, 5 साल निकालेगी? देखिए 5 साल निकालना, एक तो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल नहीं गुजारे, हुकूमतें तो पिछले 3 अदवार में गुजरे हैं 5 साल। लेकिन मसला ये है कि क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है शॉर्ट टर्म, इसको मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कि जी आपने 5 साल किसी ना किसी तरह से गुजारने हैं, या ऑब्जेक्टिव ये दो जो अहम तरीन ऑब्जेक्टिव हैं कि क्या आप डिलीवरी कर सकेंगे अवाम के लिए, जो मसाइल हैं जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको आप हल कर सकेंगे, और दूसरा आपकी अपनी पार्टी जो है क्या रोज़ बरोज लेस पॉपुलर होती चली जाएगी, और पता चला कि जब वक्त ज़रूरत आए और हम एक ऐसा लोगों के जहन में जो अभी भी मौजूद है कि वी आर अ प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी, और ये तो होगा ना, यही तो खतरा है, यही तो खतरा है पार्टी को, ये कि भाई हमारी सियासत जो है वो दांव पे लग गई है। और आपने अभी मैं सुन रहा था काशिफ अब्बासी के शो में जब आपका इंटरव्यू था, आपने कहा पंजाब में तो खत्म हो गई है पीएमएलएन, वो किस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए ना हम तो उस देखे ना, एक दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि सिंस द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर आप देखें कि उससे पहले के 12 महीने देख लें और बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स देख लें, और उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ जिसका स्टार्ट था जुलाई 2022 में, जब 20 हलकों के इलेक्शंस हुए थे पंजाब के एमपीए के सीटों के, जिस वजह से 16 पीएमएलएन हारी थी, दिस वॉज अनप्रेसिडेंटेड, इट हैड नेवर हैपेंड इन पीएमएलएन इलेक्टोरल हिस्ट्री। फिर उसके बाद अक्टूबर में हुए जिसमें इमरान खान साहब तकरीबन हर सीट पर खड़े हुए थे, पंजाब में जितनी भी सीटें थी पीएमएलएन लॉस्ट टू पीटीआई, उसके बाद 3-4 बाय इलेक्शंस कराची में आमिर लियाकत के उस पर सीट पर हुआ, 2-4 और पंजाब में हुए, उसमें बिल्कुल वन साइडेड उसमें पीटीआई जीती। उसका तो और फिर फरवरी एक उसकी तो लॉजिक है ना कि जी प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए, वोट को इज्जत दो का जो पूरा एक कैंपेन थी उसको छोड़ दिया और वो जगह जो है इमरान खान साहब ने ऑक्यूपाई कर ली। ये तो मैं नजर आ रहा था जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तब भी नजर आ रहा था कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो चढ़ती जा रही है, लेकिन फरवरी के इलेक्शंस के बाद जो कुछ हुआ उसका जो रिजल्ट आया, मुझे ये लग रहा है कि जो आपने ये बयान दिया है कि पार्टी पीएमएलएन जो है वो पंजाब में, आपने तो पता नहीं सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया था कि खत्म हो गई है या उसको बहुत बुरा झटका लगा है, ये तो फरवरी के इलेक्शंस के रिजल्ट्स की बुनियाद पे आप ये जजमेंट पास कर रहे हैं ना, तो अगर आप जब पीएमएलएन से बात करते हैं वो कहते हैं जी ये तो हमारा देखे रिजल्ट पंजाब में तो हमारी गवर्नमेंट है, आप कैसे कह सकते हैं कि खत्म हो गई है पंजाब में पार्टी, ये तो उनकी ऑफिशियल लाइन है ना।
बट एक्चुअली वजह क्या है? व्हाट डू यू से? एक तो इन द कॉन्टेक्स्ट बात होती है ना, अगर पीएमएलक्यू कहेगी कि उसको 40 सीटें मिलेगी तो वो अनप्रेसिडेंटेड उसकी विक्ट्री होगी ना, कि 6-7 से लेके वो ऊपर जाए, और अगर आप ऊपर से लेके नीचे आ रहे हैं पूरे तरीके से तो आप उस हिसाब से कहेंगे कि ये आपकी पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे कंसिस्टेंटली चला जा रहा है। तो मैं उस कॉन्टेक्स में बात का खत्म तो नहीं मैं कह सकता कि जाहिर है पीटीआई के बाद अगर कोई पार्टी है पंजाब में और अगर किसी का वापस आने का चांस है अगर सही पॉलिटिक्स करें तो बिल्कुल पीएमएलएन ही का चांस होगा, और तो कोई तीसरी पार्टी नहीं मुझे नजर आती पीटीआई के अलावा। जो मैं बस ये ऐड करना चाह रही हूँ, जो आपने बात की कि पहले इलेक्शंस जो बाय इलेक्शंस थे 20 उसमें क्यों हारी थी नून लीग, तो इसलिए भी हारी थी कि जो टिकट्स थी वो उस वक्त पीटीआई के मुनरफ अराकीन को दे दी थी और जो आपका नजरियाती कारकुन था कैंडिडेट वो इग्नोर हुआ था, और आपका शुमार भी उन लोगों में होता है जो नाकदीन थे। फिर हमने मिफ्ता इस्माइल को देखा, खाकान अब्बासी को देखा, तो और अब आप कह रहे हैं कि आपकी पोजीशन वाजे नहीं है पार्टी के साथ, हालांकि जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं उससे काफ़ी पोजीशन वाजे हो जाते हैं कि आप पार्टी के साथ हैं या नहीं, सिर्फ कहना बाकी है। लेकिन ये जो नुकसान है पीएमएलएन को, नजरियाती लोगों का यक के बाद दिगरे छोड़ के जाना, और इसकी शुरुआत हुई थी उन बायपोल्स इलेक्शन से, वाई द पीएमएल लीडरशिप इज नॉट एड्रेसिंग इट? और अब तो खैर इंतहा पे पहुंच गए लेकिन एड्रेस क्यों नहीं कर रहे? देखें मेरे और किसी भी और, अगर आप शहबाज शरीफ साहब को भी लें, ख्वाजा आसिफ को जो टोटली कमिटेड इस वक्त हुकूमत का भी हिस्सा है, मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रेटिंग के पीएमएलएन को हुआ क्या है। तमाम लोग ये कहते हैं कि हमने वी लॉस्ट पॉलिटिकल कैपिटल आफ्टर वी केम इन टू पावर इन 2022। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो ये इससे डिसएग्री करे, और बड़ा मैसिव पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है वो इस वजह से जो भी वजूहत हम डिस्कस कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, उसके बाद 16 महीने की जो इकोनॉमिक कारकर्दगी है वो इंडिकेटर्स, मैं कोई पर्सनली ऐसी बात नहीं कर रहा, आप इन्फ्लेशन ले लें, आप डेफिसिट ले लें, आप कर्जों का हाल देख लें, आप फिजिकल डेफिसिट ले लें, आप डेट रीपेमेंट देख लें, आप कोई भी इंडिकेटर ले लें, आप गुर्बत ले रहे हैं। सिर्फ 16 महीने की गवर्नमेंट से तो ये मसला नहीं हुआ, ये तो ज्यादा प्रॉब्लम तो ज्यादा गहरा है पीएमएलएन के लिए। अगर सिर्फ यही होता तो वो अगर एक साल अच्छी कारकर्दगी हो गई, इन्फ्लेशन कम हो गई, मामलात बेहतर हुए तो पॉपुलैरिटी वापस आ जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि आप और दीगर लोग जिनके अभी आपने नाम लिए जो पीएमएलएन के इनसाइडर्स थे और बाद में नकाद बन गए, वो ये कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज डीपर, ये पार्टी के अंदर दे हैव लॉस्ट द प्लॉट, वो नई मॉडर्न पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाए। और इसलिए भी मोहम्मद जुबैर साहब के जी और इसलिए भी माजिद के साथ, और इसलिए भी ऐसा हो रहा है कि नवाज शरीफ की जो सारी सियासी तवज्जो थी वो मरियम नवाज के ऊपर थी कि उनका करियर बन जाए, ये भी अखज किया जाता है हालात से। देखिए ना, पार्टी स्ट्रक्चर जो है ना, पार्टी स्ट्रक्चर इज नॉन एग्जिस्टेंट। अगर आप कहें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, इट इज सपोज्ड टू बी अ फेडरल पार्टी। अगर आप इस्लामाबाद में हुकूमत करते हैं तो इट इज सपोज्ड टू रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ द अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान। अभी आप 2024 के कैंपेन देख लें, फेबरी, नॉट इवन फॉर 10 मिनट्स कोई भी मेन स्ट्रीम बड़ा लीडर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अयाज सादिक, साद रफी, एक का नाम आप ले लें जो राना सनाउल्ला, जो सिंध में जिसने कदम भी रखा। अगर आप इतने इनडिफरेंट हैं टू द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस, जो कि जिसमें फाइनेंशियल हब भी है, जिसका बिजनेसमैन हमारे से रोज पूछता है, और जिसमें सिर्फ दो लोग थे पीएमएलएन के जो रिप्रेजेंट करते थे एट एनी लेवल, धड़े के लेवल पर भी, ऊपर के लेवल पर भी, स्टूडेंट्स के लेवल पर भी, बिजनेस कम्युनिटी को तो, तो, तो से आप तीसरा नाम मुझे बताते हैं। अच्छा, आप मुझे तीसरा नाम बताते, पार्टी इज सो मच डिसइंटरेस्टेड। जी मुझे बिल्कुल टाइम अभी खत्म हो रहा है, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहना चाह रहा हूँ। ये जो पीएमएलए के अंदर लड़ाई झगड़ा पड़ गया, राणा सनाउल्ला जावेद लतीफ साहब पे तनकीद कर रहे हैं, वो जो है वो राणा तनवीर पे तनकीद कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर एक दूसरे पे जो है वो कीचड़ उछाली जा रही है, ये क्या हुआ है? देखिए ना, वो बिटरनेस है, और ये आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा इलेक्टोरल हिस्ट्री में दुनिया की, कि एक पार्टी जो कि क्लेम कर रही है हम जीत के हुकूमत सबसे बड़े प्रोविंस में भी आ गए और फेडरल लेवल पर भी आ गए, उसके बाद उनके मेन स्ट्रीम लीडर्स आर फीलिंग सो बिटर बिकॉज द रिजल्ट्स वर नॉट सो गुड, दे ऑल नो द वे द पार्टी स्टैंड्स टुडे, एंड अंटिल अनलेस समथिंग इज डन टू एड्रेस दोज कंसर्न्स एट द पार्टी स्ट्रक्चर लेवल। क्या अभी, मतलब मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा ना, कि मिफ्ता इस्माइल 2 साल पहले उन्होंने छोड़ दिया था, तकरीबन 1.5 साल पहले सिंध के जनरल सेक्रेटरी,
आज तक उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई है, और मैं आपको गिनाता चला जाऊं ऐसे ओहदे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। द पार्टी इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, वो सिर्फ पावर के लिए, और पावर के लिए वोट को इज्जत दो छोड़ के उनको पता है कि कहां भागना है ताकि हमें पावर मिल जाए और जो हमें अगले पांच साल सहारा देगा। जाने से पहले जुबैर साहब फाइनली मुझे बता दें कि आप फिर शायद खाकान अब्बासी साहब वाली पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको ऑफर आ गई? अभी तक मुझे नहीं पता कोई चौथा शख्स उनके साथ ज्वाइन किया, बट ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड। अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं किया कि जी आपने कहा ऑफर आ गई, मतलब इट्स नॉट अ जॉब दैट आई अप्लाइड के वो एक्सेप्ट करेंगे ना करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज में तो कोई भी कहां कब भी जाना चाहता है, यानी आपसे पूछा गया है? मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, लेकिन आपसे पूछ लिया गया? हाँ, मेरे से डिस्कस हुआ है जी, मेरे से बात तो हुई है। चलें महमूद भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ओके जी, ब्रेक का वक्त होता है, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। बिल्कुल ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं प्रोग्राम में। खुश आमदीद, और अब पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करेंगे। बहुत ब्रिलियंट गेस्ट हमें सब ज्वाइन कर रहे हैं, और उसमें मेरे से पहले कि हम गेस्ट को तारुफ कराएं, बुनियादी तौर पर जो इशू मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है, जो हम अभी गेस्ट से भी बात करेंगे, कि एक तासुर ये बनता जा रहा है या कुछ कुछ हल्कों में बतूल ये बन रहा है कि हमारी जो एक मईशत है जिसका पिछले डेढ़ दो ढाई साल से तो बहुत ही बुरा हाल था। आपको याद होगा कि पिछले साल के समर में, जुलाई में तो ये बात हो रही थी कि जी बिल्कुल डिफॉल्ट होने जा रहा है, और तकरीबन हो ही गया है। श्रीलंका के हवाले से बातें हो रही थी, याद है इमरान खान साहब कहते थे कि जी पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है वगैरह वगैरह। तो और महंगाई हाईएस्ट जो है वो मई 23 में जो है वो 38% महंगाई गई, 38% तक। अब जो है वो कहा जा रहा है कि जी मामला थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, कुछ फंडामेंटल्स ठीक नजर आ रहे हैं, और इकॉनमी शायद अब उस तरफ चल पड़ी है जहां पे उसको जाने की हम सबकी ख्वाहिश है। तो क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा तो नहीं कि ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हम हो रहे हैं? तो ये वो बेसिक मामला है जिसको जरा डिस्कस करने के लिए फिर हमने अपने मेहमानों को आज मधु किया। बिल्कुल, और जो रिसेंटली वजीर खजाना ने इंटरव्यूज दिए उसमें भी उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया कि किसी को एमनेस्टी स्कीम अब नहीं मिलेगी, और जो वर्ल्ड बैंक है उसने कमिटमेंट शो की है पाकिस्तान के साथ कि 10 साल तक वो डिजिटल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा। इट्स अ बिग कमिटमेंट, एंड सो हम इसको बिल्कुल कि मामला वाकई में ठीक है या असल हकीकत क्या है। और इस पर मजीद बात करने के लिए खुर्रम हुसैन साहब हमें ज्वाइन करें, सीनियर सहाफी हैं, तजिया निगार हैं, इकोनॉमी पे बहुत अच्छा लिखते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब इकोनॉमिस्ट हैं, ज्वाइन करें। सावेल हुसैन साहब बिजनेसमैन हैं और इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इशू यही है, बल्कि तो खुर्रम आपने कॉलम भी लिखा है, तो आई स्टार्ट विथ यू। कॉशियस ऑप्टिमिज्म, ये बात, ये जो फिगर्स हम देख रहे हैं कि रिजर्व्स हमारे 10 बिलियन डॉलर तक जाने वाले हैं, इन्फ्लेशन तकरीबन 20% पे आ चुकी है, करंट अकाउंट सरप्लस 9 साल में सबसे ज्यादा हो चुका है, पीआईए प्राइवेटाइज होने जा रही है, आईएमएफ की डील, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जून जुलाई तक नया जो स्टाफ लेवल अग्रीमेंट है वो हो जाएगा, एयरपोर्ट्स आउटसोर्स होने जा रहे हैं, एफबीआर की डिजिटलाइजेशन हो रही है, रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, ये सब कुछ क्या कह रहा है खुर्रम के वाकई में मामला संभल रहे हैं? फहद, आई थिंक काफी हद तक तो यस संभल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओवर ऑप्टिमिस्टिक या ओवर कॉन्फिडेंट होने की अब गुंजाइश पैदा हो रही है। और मेरे कॉलम लिखने का मकसद ही सारा ये था कि उससे थोड़ा समय वॉर्न कर दूं लोगों को, रीडर्स को। बात यह है कि जी काफी नंबर्स तक तो लग रहा है कि मईशत जो है वो काम डाउन कर रही है। जिस तरह के खसारे, माली खसारे, और जिस तरह जो महंगाई की आग लगी हुई थी तकरीबन एक साल पहले, वो अब काबू में आहिस्ता आहिस्ता तो आ रही है, लेकिन जब इन नंबर से नीचे हम लोग देखें तो सिचुएशन फिर भी बहुत एक नाजुक और डेलिकेट नजर आती है। खास तौर पे जैसे मैंने जिक्र किया है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है, बैंक्स को आजकल शदीद डायरेक्शन मिल रही है कि एग्जैक्टली कितना बेचना है, किसको बेचना है, और सारी चीजें, और स्टेट बैंक खुद खरीद रहा है बहुत सारे डॉलर्स अभी इंटरबैंक मार्केट से एट डायरेक्टेड प्राइसेस। अगर इस चीज को रिलीज किया जाए और वापस एक मार्केट मैकेनिज्म की तरफ जाए तो फिर क्या होगा, वी डोंट नो। करंट अकाउंट आपने जैसे दुरुस्त फरमाया कि सरप्लस में चला गया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इकोनॉमी का गला दबा के उसमें से जितनी रफ्तार थी, जितनी उसमें डायनेमिज्म थी, सबको निकाल दिया गया है।
तो जब ये ग्रोथ वापस रिवाइव करने की तरफ चलेंगे तो फिर क्या होगा, वी डोंट नो. एंड देन जितनी इन्वेस्टमेंट की लोग बात कर रहे हैं कि आगे भी आने वाली है सऊदी अरब से या कहीं और से भी, वो आती भी है या नहीं आती, क्या कंडीशंस लगाए जाते हैं आईएमएफ की अगले प्रोग्राम में, बहुत सारी अभी इस तरह की अनसर्टेनिटीज भी कंटिन्यू कर रही हैं. And I think the situation remains delicate. अच्छा तो खाकान साहब, ये अगर अभी आप खुर्रम हुसैन साहब को सुन रहे थे, ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था, लेकिन एक तो होता है हर जो भी जमात आती है, डॉक्टर खाकान साहब, जो भी जमात है, जो भी गवर्नमेंट आती है, वो कहती है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और प्लान तो सारे अपने बड़े अच्छे अच्छे बातें करते हैं. इस गवर्नमेंट ने भी यही किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही किया, और उन्होंने तो ये भी कहा कि जी हमें जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें करने की जरूरत है वो तो सबको मालूम है, इश्यू है कि करता कोई नहीं है, एग्जीक्यूशन इज द की थिंग. आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट इस वक्त उन दावों से थोड़ा सा आगे चली गई है? कुछ एक्शंस जो हो रहे हैं उनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि दे एक्चुअली मीन बिजनेस दिस टाइम? फहद, सो वेरी क्लियरली पहले तो ये समझ लेते हैं कि इकॉनमी बिल्कुल बाय द बुक बिहेव कर रही है. कोई भी इकॉनमी जब इंगेज करती है आईएमएफ के साथ, तो जितना भी एम्पिरिकल वर्क आईएमएफ के प्रोग्राम्स पे मुख्तलिफ ममालिक में एग्जिस्ट करता है, वो तीन चीज़ें बड़ा क्लियर कर देता है. जब वो इकॉनमी को स्लो करते हैं, जब वो अपने लीवर्स और एडजस्टमेंट प्रोसेसेस को गो थ्रू करते हैं इकॉनमी से, जो उन्होंने किए पाकिस्तान पे, तो करंट अकाउंट का खसारा संभल जाता है, पाकिस्तान के रिजर्व्स बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं. जब करंट अकाउंट संभलता है तो ऑटोमेटिकली रिजर्व्स बिल्डअप होते हैं. पाकिस्तान के केस में बेहतरी इसलिए भी आई कि सऊदी अरेबिया के $2 अरब जुलाई में आ गए, तो ज्यादा बेहतरी दिखाई दी, और इन्फ्लेशन टेपर करना शुरू करती है इसलिए कि वो प्राइवेट सेक्टर डिमांड को मॉनिटरी टाइटनिंग से कंप्लीटली तोड़ देते हैं. उन्होंने तोड़ दिया है पाकिस्तान में, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट भी तोड़ दिया है, प्राइवेट सेक्टर डिमांड भी तोड़ दिया है. दिस इज हाउ द इकॉनमी इज बिहेविंग एग्जैक्टली बाय द बुक टू गो इनटू अ, जिसे आप होल्डिंग पैटर्न कहें, टाइम बाइंग कहें, जो भी ऑस्टेरिटी मेजर्स कहें, दिस इज हाउ द इकॉनमी इज. लेकिन डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन ठीक तरफ जा रहा है. So we have stabilized the patient who is still in the ICU. और उसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आप बेहतर हो जाएंगे तो अगले साल के जो $25 अरब हैं वो आज भी आप फंड के बगैर नहीं कलेक्ट कर सकते. So you're still in the ICU. But very importantly, आपके जितने कलीदी मसाइल हैं उसमें से किसी को भी हमने टच भी नहीं किया. एनर्जी सेक्टर वहीं पे खड़ा है जहां आज से 6 महीने पहले खड़ा था. इस साल 600 अरब की ब्लीडिंग से जायद की अभी भी करे. पाकिस्तान का जो ग्रोथ फ्रेमवर्क है वो याद रखिए कि वो स्टिमुलस बेस्ड एक फ्रेमवर्क है जिसकी पैदावारी सलाहियत मैन्युफैक्चरिंग में भी, एग्रीकल्चर में भी और सर्विस सेक्टर में भी बहुत कमजोर है. हमने उसको अभी टच भी नहीं किया. फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का ये हाल है कि 52 लाख SMEs हैं, 1.5 लाख के पास फॉर्मल क्रेडिट है. ये मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूं, इससे बढ़ के आगे चलिए फिजिकल का खसारा पाकिस्तान फंड के साथ होते हुए रिकॉर्ड इन इट्स हिस्ट्री 8,200 अरब रुपए से ऊपर का फिजिकल का खसारा करेगा. पॉइंट ये है कि पेशेंट जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है लेकिन अभी भी आईसीयू में है. सविल हुसैन साहब, तो फिर हम को थोड़ा सा कुछ जल्दी ज्यादा गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा कबल अज वक्त नहीं ऑप्टिमिस्टिक हो रही, और एक ये जो एक फीलिंग आ रही है कि जी मामलात से बन रहे हैं, ये थोड़ा डेंजरसली ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा? श्रीलंका से भी वर्ष हमारा हाल होएगा, वो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ, और उसके लिए पिछली हुकूमत को भी दाद जाती है, इस इंटरिम गवर्नमेंट को भी जाती है जिन्होंने उसको फिर फॉलो थ्रू किया. बट नाउ वी हैव स्टेबलाइज्ड, बट देर आर थ्री थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड. तीन ऐसी चीजें हैं मैं समझता हूँ जो कि बहुत अहम है, और जिनको अगर हमने सही तरीके से हैंडल ना किया तो फिर हम दोबारा जो है वो जो खाई में है वो गिर जाएंगे. पहला सबसे जो अहम है इशू वो है हमारी एक्सपोर्ट्स का. हमने अपनी डॉलर की आमदनी बढ़ानी है, और अभी इस साल हम अगर देखें इस माली साल में हमारी एक्सपोर्ट्स जो है पिछले साल से थोड़ी सी बढ़ी हैं, लेकिन
जो खतरनाक और खौफनाक चीज है वो ये है कि हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो पिछले 6 माह से हर माह नीचे आ रही है। और अगर इस वक्त इस साल हम इसलिए बचे रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर था खासतौर पर राइस, वहाँ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया जिसने टेक्सटाइल में उसको कवर कर लिया, लेकिन अगर टेक्सटाइल गिरती गई तो ये बहुत जल्द हम एक जो है ना क्राइसिस में दोबारा आ जाएंगे। 1-2 अरब डॉलर भी अगर हमारे एक्सपोर्ट से उड़ गए आने वाले महीनों में तो आप देखेंगे कि हम दोबारा एक क्राइसिस की तरफ शुरू हो जाएंगे। तो हमें एक तो बहुत अहम है कि हमने अपने एक्सपोर्ट के हवाले से एक बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, जो कि शॉर्ट बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी लेके चलनी है जो कि शॉर्ट टर्म में भी और मीडियम टर्म में भी, अभी मुझे फ्रैंकली नजर नहीं आ रही। दूसरी जो सबसे बड़ा इशू है महंगाई का, और इसका जो सारा का सारा जो महंगाई का ज्यादातर जो इस वक्त लिंक है वो है हमारी मनी क्रिएशन को या जो नोट छाप, और नोट छाप अभी ये हुकूमत बैंकों के जरिए वो अपने सारा, और उसके नतीजे में वो ये रहा है कि आपकी महंगाई जो है लेकिन अभी भी 20-22% है, और उसकी वजह से आपको स्टेट्स की याद आया आया करना। सोहेल आपका जो जो थोड़ा सा कनेक्शन है थोड़ा सा वो अनस्टेबल हो रहा है, हम कोशिश करते हैं वो कनेक्शन आपका थोड़ा सा ठीक हो जाए ताकि आपकी आवाज जरा बेहतर तरीके से ऑडियंस तक पहुंच सके। खुरम तो फिर देखिए अब एक बेसिक जो जो अभी डॉक्टर खाकान भी बात कर रहे थे वो एक कॉमन एक थीम तो हमें नजर आ रही है जो आपने भी बात की कि कुछ स्टेबल सूरत हाल डेवलप्ड हो रही है लेकिन इट्स अ बिट टू अर्ली। तो फिर सवाल जो मेरे जहन में उठता है वो ये है कि आप देखें 2-2.5 महीने हुए इस गवर्नमेंट को और उस 2-2.5 महीने में उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए हैं उसकी बुनियाद पे ये सर्टन लेवल ऑफ कॉशियस ऑप्टिमिज्म जो आ रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है, यहां तक तो बात ठीक है। अब बजट का टाइम आ रहा है, उसके बाद आईएमएफ जून जुलाई में आए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जी आईएमएफ का नया प्रोग्राम जो है वो आ जाएगा, वो 8-10 अरब डॉलर की बात हो रही है। सो अगर हमने ये मॉनिटर करना है कि क्या वाकई में ये इनिशियल जो बर्स्ट ऑफ कॉशियस ऑप्टिमिज्म है ये एक्चुअली ट्रांसलेट हो रहा है सस्टेन्ड गुड पॉलिसी मेकिंग में, तो उसकी इंडिकेटर्स क्या होंगे? लेट्स अज्यूम कि हम अगले 3 महीने में किन चीजों को देखें, किन एक्शंस को देखें जिनकी बुनियाद पे हम कह सकें कि हाँ एक्चुअली मामलात अब और बेहतर हो रहे हैं और जो जो पटरी पे ही जो हमारी इकोनॉमी है वो बाकायदा तरीके से चढ़ती जा रही है। राइट फाद, आई थिंक एक चीज मैं जरा सी करेक्ट अगर कर लूं कि जो भी अगर हम कह रहे स्टेबिलिटी आई है ये 2-2.5 महीने की कार्रवाई नहीं है, ये इसकी शुरुआत जो है वो जुलाई में हुई थी, जुलाई 2023 में, जब आपको याद होगा कि तब की जो पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी उसके आखिरी दिनों में शहबाज शरीफ साहब ने खुद आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ नेगोशिएट करके एक इमरजेंसी स्टैंडबाय अरेंजमेंट नेगोशिएट किया था, और उसके फौरन बाद दो बहुत बड़े बड़े आई थिंक वन या टू बिलियन टोटल उनका $3 बिलियन का था इनफ्लो सऊदी अरब और यूएई से आया था। तो एकदम से पाकिस्तान को जुलाई के महीने में $4 अरब का इनफ्लो मिला था, जिसमें से 3 हमें ये बायलैटरल इनफ्लोस थे और $1 अरब आईएमएफ से मिला था। और उसके बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने फिस्कल सिचुएशन को संभालना शुरू किया, वहां से ये स्टेबिलिटी शुरू हुई है। अब आप जो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम किस चीज के ऊपर नजर रखें, आई वुड सजेस्ट 2 चीजों पर खास नजर रख लें। अभी 2 मेजर इवेंट्स आने वाले हैं हमारे सामने, एक है जो नया आईएमएफ प्रोग्राम साइन किया जाएगा और जब भी वो हो जाए अनाउंस तो उसका फिर एक स्टाफ लेवल अग्रीमेंट बनता है, वो रिलीज होता है, उसके अंदर फिर सारे टारगेट्स दिए होते हैं और उसमें से हमें पता चलेगा कि अब नई गवर्नमेंट की कार्रवाई उसके बाद शुरू होगी, उस डॉक्यूमेंट उस साइनिंग के बाद उससे हमें पता चलेगा कि कितनी सख्त कार्रवाई है और कितना उनका कितनी टाइट कंडीशंस उनको मीट करनी पड़ेंगी, नंबर वन। और दूसरी चीज जिसके ऊपर नजर रख एटलीस्ट मेरी नजर होगी कि आने वाला जो बजट है जो जून में अनाउंस होगा जो लाजमी आईएमएफ की ही टारगेट्स के साथ साथ उन नजर में रख के ही उसकी सारी वो चीजें साइन की जाएंगी। इसके साथ साथ मैं इंडिविजुअल इंडिकेटर्स से डिस्करेज करूंगा कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर नजर रखें, बट कीप एन आई कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद क्या कर रहे हैं और ये 2 इवेंट्स किस तरीके से जाते हैं, वहां से पिक्चर निकलेगी कि आने वाले महीने कैसे। ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि जितनी भी अब तक हमने बात की है
इसमें एक मेरे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को लेके इनसिक्योरिटी है, वजीर खजाना क्लेम तो कर रहे हैं कि इमारात के बैंकों से हमें मिल जाएगी, लेकिन जो इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी के हालात हो गए हैं और इंटरनेशनल क्रेडिटर्स के कंसर्न्स भी हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके, तो क्या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आपको लगता है स्मूथली हो जाएगी? और दूसरी बात यह कि वजीर खजाना ये भी कह रहे थे कि हम IMF के प्रोग्राम में रहते हुए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, तो जिन इंडिकेटर्स की आप बात कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि 2 माह में या आने वाले माह में हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी होते हुए देखेंगे, ऐसा कुछ साइन नजर आ रहा है आपको? जी, ये तो है कि वजीर खजाना साहब ने खुद कह दिया कि जून के महीने तक PIA को प्राइवेटाइज कर देंगे हम लोग, तो ये बहुत मेजर एक स्ट्रक्चरल स्टेप होगा, इसको अगर हम रिफॉर्म कहें या ना कहें, माने या ना माने, लेकिन एक कदम तो होगा और स्ट्रक्चरल डेफिनेटली होगा। तो एक तो ये चीज़ है, बट आई थिंक आपकी बात दुरुस्त है, आपका इशारा दुरुस्त है कि जिस किस्म के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, मिसाल के तौर पावर सेक्टर को संभालने के लिए, वो 1-2 महीने की बात नहीं है, वो उससे ज़्यादा लंबी बात चलेगी। अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल था कि क्या इंटरनेशनल फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी, होगी तो, लेकिन कितनी स्मूथली मिलेगी उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान जो है वो प्राइवेट कैपिटल मार्केट से शायद इतने ज़्यादा अपनी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स ना मीट करे इन द फॉरथकमिंग 1 ईयर जितनी वो बायलैटरल पार्टनर से करेंगे। अच्छा, और आई थिंक एक दफा IMF प्रोग्राम शुरू हो जाए तो वहां पे गुंजाइश कुछ निकल आएगी। खाकान साहब ये बताएं, ठीक है खाकान साहब ये बताएं कि आप चले, ये तो हमने बात कर ली इंडिकेटर्स की, क्विकली आई रिक्वेस्ट अ ब्रीफ आंसर, लेकिन जाहिर बात है जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो अल्टीमेटली तो फिर यही उसका जो जो जो, जो फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों की जिंदगियों में बेहतरी कब आएगी। अब ऑब्वियसली उस बेहतरी को लाने के लिए पहले ये मुश्किल कदम उठाने हैं, उठाना ज़रूरी हैं, और इसीलिए हुकूमतें जो हैं वो हिचकिचाती हैं, डरती हैं, खौफ खाती हैं ये मुश्किल फैसले करते हुए। अगर हमें ये मुश्किल फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि कुछ हद तक इंडिकेशन आ रही है, और अगर वो इस्लाहात हो रही हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, तो वो जो टाइम फ्रेम है वो क्या है? यानी एक आम जो वोटर है उसको कब इसका बेनिफिट नजर आएगा इन मुश्किल फैसलों का? अगर बहुत रिफॉर्मिस्ट बजट लाएंगे तो जल्दी नजर आ जाएगा। जल्दी से मतलब है 1-2 साल तो अभी मुश्किल के हैं, अगले साल भी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई रहेगी, ग्रोथ सब्ड्यूड रहेगी, तो उस तरह नौकरियां नहीं क्रिएट होंगी। बट अगर बजट बहुत रिफॉर्मिस्ट होगा, फिस्कल संभल जाएगा, जिसमें बहुत बड़ा आंसर टैक्स के रिफॉर्म्स का तो यही, एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म्स पे क्या सामने आता है, क्या वो अपने पेंशन को संभाल पाएंगे, डेट को पाकिस्तान के रीप्रोफाइल करना है, अभी तक कोई इसकी बात भी करने को पाकिस्तान में तैयार नहीं हो रहा, बिकॉज एक्सपर्टीज नहीं है। आई एम श्योर कि IMF जरूर इंडिकेट कर देगा, पेंशंस का रिफॉर्म करना है, पाकिस्तान की जो सारी ब्लीडिंग SOEs हैं उनकी जो सब्सिडीज हैं उनका रिफॉर्म करना है। क्या हम ये डिफिकल्ट फैसले, एक्चुअली बात यह कि प्राइस बढ़ाना बहुत आसान फैसला है, असल फैसले ये हैं, क्या कैन वी मेक दोज हार्ड कॉल्स, फिर 1-2 साल में एक सेम्बलेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर की थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, ठीक है, तो यू नो यू कैन ओवरकम दिस। सविल साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू, तो अब अगर अगर ये इंडिकेटर्स भी हमारे सामने आ गए, अगर हमें ये भी नजर आ गया कि कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी करने को है, और उसमें एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म तो एक बहुत ही बड़ा इशू है, इस सारे फ्लैग क्या होना चाहिए वो जिसको देख के हम कहेंगे नहीं यहां पर गड़बड़ होना शुरू हो गई है, व्हाट शुड वी बी लुकिंग आउट फॉर? 3 चीजें, नंबर 1 प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन के अंदर ना सिर्फ PIA लेकिन जो सबसे अहम है वो है आपकी जो डिस्कोज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, ये सबसे बड़ा मार्कर है, और अगर ये नहीं होता या इस पे गो स्लो होता है तो आप समझ लें कि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, नंबर 1। नंबर 2, हमने अपना हुकूमत का फेडरल गवर्नमेंट का खसारा जो है उसको हर सूरत में उसको घटाना है, इस वक्त 7.5% है, पैसे छापे जा रहे हैं, उसको करना पड़ेगा, उसके लिए हर सूरत में गोइंग फॉरवर्ड टैक्स बढ़ाने के अलावा, रिफॉर्म करने के अलावा, हमें हर सूरत में इस हुकूमत को लोगों के साथ बैठ के, बाकी सियासतदानों के साथ बैठ के NFC अवार्ड को एक दफा रिविजिट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साविल साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे, दीगर मेहमानों का भी, और फात साहब ये देखें अब 6 साइंस हुए बट स्टिल इनसिक्योरिटी और स्टिल अर्ली डेज, लेकिन देखना है कि अब मामला किस तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।